वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके प्रैक्टिस सेट्स को। और देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हैं आप। तो स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप बोल रहे थे कि राम सर थोड़ा स्पीड स्लो कर लीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि आपका जो डाउट्स है वो वहाँ पर इमिडिएटली क्लियर हो जाए और आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। अब आपको क्या चीज़ें याद नहीं करनी है, सिर्फ वो प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है राम सर और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। आपके हर एक एग्जाम के लिए बैक टू बैक आपको वीडियोस मिल रही हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा डेली, जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट अब तक करा चुका हूं उन सबका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ज्यादा बेसिक यू नो नॉलेज के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं कंटिन्यू करता हूं इसे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिस रिंग इज मेड डैश गोल्ड। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो मैं बोलता हूं उसको आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ रहे, जो मैं बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। सिंपल सी बात है, यानी कोई भी चीज़ जब किसी यू नो धातु से बनती है तो वहां पर हम प्रेपोजिशन जो मेड के बाद आता है वो क्या आता है, ऑफ आता है। सिंपल, बस इतना याद रखो। आगे देखिएगा, द प्रिजनर डैश फ्रॉम हिज गार्ड्स। अब यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब यूज करना है, तो फ्रेजल वर्ब इसमें क्या होता है, देखो ब्रोक अवे होता है, मतलब जो प्रिजनर था जो कैदी था, देखो ब्रेक अवे का मतलब होता है अभी मतलब बाहर चले जाना, मतलब तोड़ करके जो प्रिजनर था वो अपनी जो सिक्योरिटी गार्ड्स था ना उसको तोड़ करके बाहर चला गया, तो ब्रेक अवे इसका सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है। आगे देखो, स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको दो चीज याद रखनी है, कौन सी, कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ आता है, ये प्रीपोजिशन पूछा गया है, ये भी आप याद रख लेना। दूसरा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये सिंगुलर आ रहा है, देखो अगर हम सिंपल सी बात है ऑल के बाद तो प्लूरल आता है, जबकि अगर ये सिंगुलर आ रहा है तो सिर्फ एक एवरी ही ऐसा होता है जिसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो सिंगुलर केस में आता है, ठीक है। तो इसलिए इन सब में सिर्फ एवरी ही आ सकता है, क्लियर है ना। जैसे मैंने आपसे बोला एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का, मैंने बोला एवरी राइट ना, एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, एवरी चिल्ड्रन नहीं कर सकते क्योंकि ये जो नाउन अगर सिंगुलर है इसका मतलब कि वो उससे पहले एवरी आएगा, ठीक है। चार ऑप्शंस को मैंने यहाँ समझा दिया। चौथा है देखो, ही मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी, उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम जो वो ना गिव अप करता है। तो यहाँ पर अब देखो फोर्थ ऑप्शंस के अंदर हमें सोचना है कि यहाँ पर क्या है, तो ही हो जाएगा ही गेव अवे मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी, यानी उसने अपना ज्यादा जो पैसा था उसके पास वो क्या चैरिटी यानी दान में दे दिया। तो देखो गिव अप, गिव अवे का मतलब क्या होता है, गिव अवे, आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे गिव अवे चलते हैं, वो यही होता है। गिव अवे का मतलब ही होता है कि किसी राशि को या किसी चीज को बांटना, तो गिव अवे आपने देखे होगा। और एक होता है गिव अप करना, तो ये देखो गिव अप का मतलब होता है यू नो अपनी हार मान लेना, गिव अप कर देना, त्याग छोड़ देना किसी चीज को काम में बीच में, तो यहाँ पर गिव अवे बात हो रहा है। तो ये फ्रेजल वर्ब है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इन द फॉरेस्ट आई सॉ ए डैश ऑफ डियर, तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो सोचो इसमें क्या आ सकता है। आई सॉ ए हर्ड ऑफ डियर, देखो ये आपका क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन का टॉपिक आपने रिवाइज कर लिया होगा, सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस चल रहा है। अगर मैं देखो प्रॉपरली तरीके से ग्रामर को यदि पढ़ाऊंगा तो वो एक एक पॉइंट को तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक रिवीजन चल रहा है। तो देखो ये कलेक्टिव नाउन है और जब भी कभी कलेक्टिव यानी कि अगर कभी डियर का झुंड हो जाए तो वहाँ पर हर्ड लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और आगे वही है कि आपको चार ऑप्शंस में से एक सही करना है। अब मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले कि ही हैड मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स ही वॉन्ट्स टू बाय। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस को समझने का तरीका आना चाहिए, करते कैसे। देखिए ये बात आप ये देखिए कि जो पहला सेंटेंस इसमें दे रखा है वो कौन सा है, देखो पास्ट परफेक्ट है, कौन सा है, पास्ट में दे रखा है, तो लास्ट वाला भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा, इसका मतलब। लेकिन ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है जो गलत है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हम इसे राइट कर देंगे। मतलब याद रखो जैसे अगर पहला पास्ट है तो दूसरा भी वांटेड होना चाहिए था, तो कोई एरर नहीं होता है इसमें, समझ रहे आप, यानी पहला प्रेजेंट है दूसरा पास्ट है तो वो कहीं ना कहीं एरर दे देता है। आगे बात करते हैं, हाउ मच फिंगर्स डू यू हैव इन योर हैंड, यानी आप अपने हाथ में कितनी फिंगर रखते हो। तो मैंने आपको पहली बार भी बताया था कि जो मैनी अगर लास्ट में अगर वो काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वहां पर मैनी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मच लग रहा है, ये नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैनी आना चाहिए, क्योंकि मैनी के बाद यहाँ पर सिंगुलर यू नो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, तो यहाँ पर बी वाला जो है
सॉरी ए वाला यहां पर गलत हो जाएगा। आगे देखो, रवि एंटर्ड इन द क्लासरूम विदाउट सीकिंग परमिशन, यानी कि बिना परमिशन किए हुए रवि ने क्या कर दिया कि क्लासरूम के अंदर एंट्री कर लिया। देखो ज्यादा स्पीड से नहीं बता रहा मैं आपको, समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर आप देखिएगा, कभी भी एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, इन टू इन वगैरह नहीं आता है, तो यहाँ पर लेकिन इन यूज कर रखा है, तो ये बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस टू प्ले द वायलिन वेल, ठीक है, तो वायलिन बजाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर क्या राइट हो सकता है। देखिए इसमें जो एरर दे रखा है वो दे रखा है अलॉट ऑफ प्रैक्टिसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इट टेक्स अलॉट ऑफ प्रैक्टिस नहीं, इट टेक्स मोर प्रैक्टिस, तो यहाँ पर जो अलॉट ऑफ दे रखा है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, समझ में बात आ रहा है। तो बी वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। अब मैं ये बात कर लेता हूँ कि माई ओल्डर ब्रदर बिल्ट दिस हाउस लास्ट ईयर, अब यहाँ पर गलती क्या हो सकता है। देखो समझ लो, किसी भी चीज को समझने की कोशिश करना, माई ओल्डर ब्रदर नहीं, माई एल्डर ब्रदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माई एल्डर ब्रदर बिल्ट दिस हाउस लास्ट ईयर, यानी इस हाउस को पिछली साल मेरे बड़े भाई ने बनाया था। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये हो जाएगा वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन डैश टू आवर्स, तो मैंने आपको समझाया था कल भी एक प्रीपोजिशन के बारे में बताया था कि वेट के बाद जो यू नो प्रीपोजिशन आता है वो फॉर आता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, दूसरा ये क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए द ट्रेन फॉर टू आवर्स, और मैंने सिंस फॉर वाला भी यूज आपको बता दिया। अब पहले तो ये देखिएगा, यहाँ पर अगर डिजिट आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको फॉर यूज करना है, सिंपल सी बात, देखो समझाता हूँ। ये लिख रहा है फॉर, भाई सिंस फॉर में ये तो आता है, और जो फॉर ये लिखा रहता है वो करीबन इस तरह का साउंड होता है, तो मतलब ये डिजिट सा लग रहा है ना। अब डिजिट कभी आ जाए तो आपको फॉर लगा दे, डिजिट नहीं आए तो सिंस लगा दो, तो यहाँ पर डिजिट आ रहा है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, दे अराइव्ड लेट डैश द एयरपोर्ट, अब यहाँ पर सोचो जल्दी से क्या हो सकता है, समझ रहे हैं आप, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से ये बाकी में बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट मुझे मिला हुआ है। तो देखो यहाँ पर दे रखा दे अराइव्ड लेट एट द एयरपोर्ट, यहाँ पर एट आ जाएगा, यहाँ पर आप ऑन नहीं कर सकते कि वो यू नो प्ले एयरपोर्ट पर आए। देखो ऑन का मतलब होता है उस सतह पर जो एयरपोर्ट बनाए, आप उसकी छत पर थोड़ी आ गए हो, आप उसके बगल में आए, तो यहाँ पर एट एकदम सही है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आई एम एट गेट, मैंने बोला कि मैं गेट पर हूँ, ये एकदम सही है, लेकिन मैंने बोला कि ऑन गेट तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब है कि आप गेट के ऊपर खड़े हो, तो ये तो गलत है ना, आप गेट के पास में खड़े हो, तो एट जो नियर को भी बताता है। आगे बात करते हैं, द मनी वॉज यू नो डिवाइडेड डैश आंशर एंड राशिद, तो सिंपल सी बात है, दो अलग अलग पर्सनों के बीच में राशि को डिवाइड किया जा रहा है, तो दो के लिए क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। दिस इज द हाउस डैश हरी बॉट, यानी ये वो घर है, ठीक है, जिसको हरी ने खरीदा था, तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दैट हो जाएगा, सबसे बेस्ट है। देखो हु यहाँ पर ये हाउस की बात हो रही है, आप यहाँ पर देखो यहाँ पर दैट आएगा, ये तो कन्फर्म है। अब बोलेंगे सर हु क्यों नहीं आया, अगर देखो हु लगा दोगे ना तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये पर्सन होना चाहिए, अगर ये कोई आदमी होता तो यहाँ पर हु आ जाता, समझ रहे, यदि कोई वस्तु वगैरह होती है तो वहाँ पर जो है दैट अच्छा रहता है, ठीक है। अगर विच होता तो विच भी चलता, विच है नहीं इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट, ठीक है। अच्छा हुज क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर यहाँ हुज लगा देते तो हुज के बाद कुछ ना कुछ रिलेशन के लिए इसमें कोई नाउन चलता, वो है नहीं, हरी बॉट ये तो उसका सब्जेक्ट वर्ब आ गया। हुम क्यों नहीं आया, हुम माने जिसको, तो हुम यहाँ पर कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि ही हैज डैश हिज होमवर्क, तो ये मैंने आपको समझाया था, यदि आपको आगे अगर होमवर्क आ रहा है, और सिंपल सी बात है, देखो हैज एफ के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू डिड डन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डन ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए द एल्डेस्ट प्रिंस वॉज द डैश यू नो टू द थ्रोन, यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज किसकी हैं सबसे ज्यादा, देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेयर, HEAR, ठीक है हेयर, तो यहाँ पर ये आपको मुझे बताना है कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये कमेंट करके बताओ जल्दी से। अब आगे क्वेश्चन है कि प्लीज बी डैश, यहाँ पर प्लीज बी और इसके बाद क्या आएगा, देखो प्लीज बी ब्रीफ, यानी कि जो जो भी चीज है वो ना ब्रीफ में हो जाओ, तो ब्रीफ BRIEF हो जाएगा स्पेलिंग, ठीक है। आगे देखो देयर इज नो मच डैश इन द रिजल्ट्स, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देयर इज नो मच डैश द रिजल्ट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा यू नो देयर इज नो मच डिफरेंस इन द रिजल्ट, रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पर ये सब स्पेलिंग्स गलत हैं, इसलिए यहाँ पर स्पेलिंग यहाँ पर एक काफी क्लोज यहाँ पर दे रखा है, गिव मी अ पेपर, गिव मी अ प्रॉपर डैश फॉर दिस पेमेंट,
तो गिव मी ए प्रॉपर। अब देखो यहाँ पर जो खाली जगह दे रखी है उसमें क्या आ सकता है सोचो, तो यहाँ पर आ जाएगा रिसिप्ट, यानी गिव मी ए प्रॉपर रिसिप्ट फॉर दिस पेमेंट, यानी जो पेमेंट किया उसका रिसिप्ट दे दो। तो ये स्पेलिंग है RECEIPT, ये स्पेलिंग आपको देखना है, ठीक है। आगे देखो कीप डैश डोंट मेक अ नॉइज, अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा, यानी शांत रहो, आवाज मत करो बिल्कुल भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क्वाइट, शांत का होता है QUIET, तो ये इसका राइट स्पेलिंग हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया, और कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा। और हाँ चिंता मत करना, आपका जो सीरीज है वो बैक टू बैक चल रहा है, आपको एग्जाम से पहले सारा कुछ करवा दूंगा। ये प्रैक्टिस सेट है इसलिए हमें सिर्फ क्वेश्चन पर मैक्सिमम हमको ध्यान देना होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी तैयारी करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।